हेलो एवरीवन, कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है गाजर का हलवा। तो इसके लिए मैंने लिया है गाजर, मिल्क, चीनी, नारियल का बुरादा, घी, काजू, किशमिश, बादाम और इलायची पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजर को छील लेंगे और ऊपर नीचे का थोड़ा थोड़ा पार्ट काट के हटा देंगे और इसके बाद गाजर को अच्छे से धो लेंगे। तो पूरा गाजर छील के धो लिया है मैंने। अब इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। गाजर ग्रेट कर लिया है मैंने। ये देखिए, इस तरीके का गाजर चाहिए हमें हलवा बनाने के लिए। तो अब हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी डाल करके गरम करेंगे। गरम हो गया है, अब इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे और चलाते हुए 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे। गाजर अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें मिल्क डालेंगे और अच्छे से चला देंगे। चीनी डाल करके मिक्स कर देंगे। इसको उबाल करके पूरा दूध सूख जाए तब तक इसको पकाना है। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम, काजू, नारियल का बुरादा, किशमिश डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, पूरा मिल्क सूख गया है इसमें का। थोड़ा सा इसको और भून लेंगे। अब हलवा हमारा बन गया है। गैस ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे। एक बोल में निकाल देंगे। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश कर देंगे।
तो बस अब हमारा गाजर का हलवा बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।